सभा का नियम था कि कोई भी राज स्त्री सभा में उपस्थित नहीं होगी। पांचाली कुल वधु है, उसे यहां आने की अनुमति नहीं। पितामह, कदाचित आप भूल रहे हैं कि पांचाली ना तो सम्रागी है अब और ना ही गुरुवंश की कुलवधु। वो मात्र एक दास पत्नी है। बस करो दुर्योधन, बस करो। अधिक अनर्थ करने का प्रयत्न किया तो उसका परिणाम कहीं भयावह ना हो। महामहिम, नियम ये था कि कोई राष्ट्रीय सभा में नहीं आएगी, परंतु दासी को सेवा के लिए सभा में आने का नियम सभी ने स्वीकार किया था। गांधार नरेश, अपनी सीमा में रहो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी सीमा भूल जाऊं। शकुनी ठीक कह रहा है ताच्छरी। अब यदि द्रौपदी पुत्र दुर्योधन की दासी है तो उसे सेवा के लिए सभा में बुलाने का अधिकार दुर्योधन को है। नियम अधर्म को रोकने के लिए बनाए जाते हैं महाराज, अनर्थ और अधर्म करने के लिए नहीं। अपने इस पुत्र को रोकिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसे नाश करने की प्रतिज्ञा ले बैठूं। एक और प्रतिज्ञा लेने से पूर्व ताच्छरी, अपनी उस प्रतिज्ञा का स्मरण कीजिए जो आपने वर्षों पूर्व ली थी। वो प्रतिज्ञा जो आपको हस्तिनापुर के सिंहासन से बांधती है, वो प्रतिज्ञा जो आपको मेरा विरोध करने से रोकती है। यदि ऐसा है तो ठीक है, मैं आपका विरोध नहीं कर सकता, परंतु मैं इस अनर्थ का भाग नहीं बन सकता। यह अधिकार मुझे है, इसलिए मैं इसी समय इस सभा का परित्याग करता हूं। महामहिम, प्रतिज्ञा जो आपने की थी हर परिस्थिति में गुरुकुल का साथ देने की, प्रतिज्ञा जो आपने की थी कि हर निर्णय में महाराज धृतराष्ट्र का साथ देने की, वो ही प्रतिज्ञा आपको इस सभा का त्याग करने के लिए भी रोकती है। महामहिम, क्या आज आप अपना वचन तोड़ना चाहते हैं? महामहिम, चाहे तो आप स्वयं अपने धर्म का वध कर सकते हैं, परंतु जब तक महाराज धृतराष्ट्र आपको आज्ञा नहीं देते तब तक आप इस सभा का त्याग नहीं कर सकते। ये आपकी प्रतिज्ञा भी है और बंधन भी। आज प्रथम बार मुझे ये प्रतीत होता है कि कदाचित मुझे ये प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए थी। जिस इच्छा मृत्यु को मेरे पिता ने मुझे वरदान स्वरूप भेंट किया था, वह श्राप प्रतीत होती है।
रहा हूं दुर्योधन, तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ, मत करो ये अनर्थ। प्रतिशोध पूर्ण हुआ? प्रतिशोध तो अभी आरंभ हुआ है मित्र, और अब इसके मध्य में तुम्हें भी नहीं आने दूंगा मित्र। प्रतिकामी जाओ और जाकर उस दासी द्रौपदी को सभा में प्रस्तुत होने का आदेश दो, आदेश दो, आदेश दो। क्या ये आदेश मेरे पति का है? जी नहीं, ये आपके स्वामी का आदेश है। सम्राट युधिष्ठिर आपको द्व्युत में हार चुके हैं और अब आप सम्राट दुर्योधन की दासी हैं। पहले ये बताओ कि धर्मराज द्यूत में पहले स्वयं को हारे या मुझे? पहले वो स्वयं को हारे देवी। तो फिर जाओ और जाकर पूछो सभा में, जो व्यक्ति स्वयं को दांव पर लगाकर हार चुका हो, क्या उसे किसी और को दांव पर लगाने का अधिकार है? जाके कह दो दुर्योधन से कि याज्ञसेनी द्रौपदी ना उसकी दासी है और ना ही उसका दासत्व स्वीकार करती है, इसलिए उसके आदेश पर मैं सभा में प्रस्तुत नहीं होंगी। जाओ और जाकर कह दो दुर्योधन से कि द्रौपदी ने कभी अपने पति को उसे दांव पर लगाने का अधिकार ही नहीं दिया, तो फिर हारने का कैसा अधिकार? और उससे कहना कि यदि उसकी भुजाओं में इतना बल है तो मुझे स्वयंवर में जीतता। पापी और छली की भांति द्यूत खेलने वाले को मैं अपने जीवन का अधिकार नहीं देती, अधिकार नहीं देती, अधिकार नहीं देती, अधिकार नहीं देती, अधिकार नहीं देती। अधिकार अधिकार दुशासन भाई होने के नाते तुम्हें ये अधिकार देता हूं कि तुम मेरा अपमान करने वाली उस दासी को, उस अभिमानी द्रौपदी को अपने इन भुजाओं से उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक खींच कर इस सभा में लेकर आओ। उस दासी को या लेकर आओ। नहीं दुर्योधन, नहीं दुशासन, ऐसा मत करना। आओ दुशासन, यदि पांचाली को स्पर्श भी किया तो तुम सब भाइयों का सर्वनाश कर दूंगा। मौन रहो बैल भीम, मत भूलो के तुम सब दास हो और दासों का धर्म उसके स्वामी के विरुद्ध बोलने की या शस्त्र उठाने की अनुमति नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता। भूल जाऊंगा सब धर्म, भूल जाऊंगा और विनाश कर दूंगा तुम सबको, विनाश कर दूंगा। यदि अपने ज्येष्ठ के वचनों का निरादर करना है तो जाओ, हम आपको स्वतंत्र करते हैं, हैं? परंतु यहां से जाने से पूर्व इस सभा से और अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर से यह कह दो कि तुम ना उनका धर्म स्वीकार करते हो और ना ही उनका अधिकार।
दुशासन। मौन एक भांति स्वीकृति होती है। पांडवों ने द्रौपदी को इस सभा में लाने की अनुमति दे दी है। खींच कर आज बालों से हाँ आज जाओ जाओ दुशासन आज खींच कर महारानी आप यहाँ से निकलिए और अपने सम्मान की रक्षा कीजिए। कुमार दुशासन को आपको बलपूर्वक लाने का आदेश दे दिया गया है। और वहाँ चल हट यहाँ से। मेरी अनुमति के बिना मेरे कक्ष में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मैं साम्राज्ञी हूँ, हस्तिनापुर की कुल वधु तुम्हारी भाभी हूँ। दुष्ट, इतना बड़ा अपमान भूल मत कि मैं याज्ञ सेनी द्रौपदी हूँ। अपने सम्मान की रक्षा करना मुझे भली भांति आता है। न तुझ में इतना साहस है और ना उस नीच दुर्योधन में कि मुझे दासी बनाकर अपने समक्ष प्रस्तुत कर सके। अग्नि की शिखा को बांधा नहीं जा सकता दुशासन। और यदि साहस है तो गुरुवंश की कुलवधु को महारानी की उपस्थिति में ले जाने का प्रयत्न करो। धृतराष्ट्र, अब भी समय है पुत्र मोह में। इतने भी अंधे मत हो जाओ, इस अनर्थ को रोक लो। अनर्थ की अग्नि को इतना भी प्रज्वलित ना करो कि समूहा कुरुवंश इसमें स्वाहा हो जाए। दासियों के मस्तक पर चूड़ामणि शोभा नहीं देती। हट! परंतु वीरांगना के हाथ में खड़ग अवश्य शोभा देता है। दुष्ट दुशासन! Thank you.
क्यों समझ में नहीं आती दासी कि तेरा प्रतिकार जितना बढ़ेगा तेरे अपमान की पीड़ा उतनी ही बढ़ेगी। आज अग्नि तो क्या पांच तत्व मिलकर भी तेरा मान मर्दन होने से नहीं रोक सकते।
कीजिए जेष्ठ। आपका आदेश ना मानने वाली दासी दंड के लिए प्रस्तुत है। दुशासन! दुशासन! मैं पांडुपुत्र भीम ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि जिन हाथों से तुमने द्रौपदी को स्पर्श किया है मैं उन्हीं हाथों को धड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। स्वप्न मत देखो दास, प्रतिज्ञा तो तब पूर्ण होगी जब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अनुज दुशासन, जब गर्व टूटता है, जब अभिमान चकनाचूर हो जाता है, तब सबसे पहले मुख काला हो जाता है। अग्नि सूता होने का गर्व टूटा है इस याज्ञ सैनी का। दिखाओ इस दासी द्रौपदी का मुख। मैं दासी नहीं हूं, मूर्ख दुर्योधन। मैं साम्राज्ञी हूं, तुम्हारी चौसर पर पड़ा कोई मेरू नहीं जिसे जब जी चाहे उठाकर फेंक दोगे। हस्तिनापुर की राज्यसभा में ये किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है महाराज? मैं कुरुवंश की कुलवधु, आपके अनुज की पुत्रवधु, कुरु राष्ट्र की प्रतिष्ठा हूं। हस्तिनापुर की लक्ष्मी बनकर मैंने इस नगर में प्रवेश किया था महाराज, और आज मुझे यहाँ इस प्रकार इस सभा में लाया जा रहा है, क्यों महाराज? क्या ये भी गुरुवंश की कोई रीति है? पितामह, आप तो हस्तिनापुर की प्रतिष्ठा के रक्षक हैं, तो आज हस्तिनापुर के सम्मान का अंत होता हुआ आप कैसे देख सकते हैं? आप तो स्वयं माता गंगा के पुत्र हैं पितामह, वो तो पतित पावनी है, फिर आपके सामने ये पाप होता हुआ आप कैसे देख सकते हैं पितामह? गुरुद्रोण, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा व्यवहार? क्या अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देते समय लज्जा की शिक्षा देना भूल गए थे आप अपने शिष्यों को? क्या युद्ध भूमि में अपने प्राणों को दांव पर लगाने के साथ साथ एक स्त्री के मान को भी दांव पर लगाना सिखाया आपने?
रही विदुर, तो इस समय आपकी नीति शांत क्यों है? महाराज से तो विधाता ने देखने की क्षमता छीन ली, परंतु अनीति का विरोध करने का साहस आपसे किसने छीन लिया? अपनी मन की आंखों से देखिए महाराज, आपके पुत्र किस प्रकार मर्यादा भंग कर रहे हैं। आप मौन कैसे बैठ सकते हैं? एक दासी को सदा अपने स्वामी के आदेश का पालन करना चाहिए पांचाली, और तुम इस समय पुत्र दुर्योधन की दासी हो। मैं कैसे दासी हो गई? किस प्रकार दासी बन गई मैं? अभी तक धर्मराज युधिष्ठिर ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया ही नहीं। जब वो द्यूत में स्वयं को हार चुके थे, तो उन्हें मुझे हारने का अधिकार किसने दिया? कहते हैं कुरु ध्वज के नीचे धर्म सांस लेता है, तो उसी ध्वज को थामने वालों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या यही धर्म है कि जुए में हारा हुआ जुआरी अपनी पत्नी को भी हार जाए? क्या यही धर्म है? आर्यव्रत के महान शूरवीर पांडव, किसकी अनुमति से, किस अधिकार से? मैं आप पांचों में से किसी एक की नहीं, आप पांचों की पत्नी हूं, इसीलिए आप सभी के अर्धांग पर मेरा अधिकार है, और यह अधिकार किसी भाई के अधिकार से कहीं अधिक है। माना कि आप पांचों भाई हैं, परंतु एक पत्नी का अधिकार परिवार में सबसे अधिक होता है। मनुष्य की मृत्यु पर परिवारजन केवल दुखी होते हैं, परंतु विधवा केवल उसकी पत्नी होती है। पत्नी केवल परिवारजन नहीं, परिवार को आगे बढ़ाने वाली जननी है। उस जननी को कैसे हार गए आप? कैसे? क्या धर्मराज युधिष्ठिर ने आप चारों अनुजों से मुझे दांव पर लगाने की अनुमति ली थी? क्या आप चारों कनिष्ठों ने अनुमति दी थी? यदि नहीं तो फिर कैसे? तो फिर कैसे मुझे दांव पर लगाया गया? कैसे मैं दासी बन गई? क्या धर्मराज के धर्म का भाला अपनी धार खो चुका था? क्या महाबली वृकोदर भीम की गदा इतनी भारी हो गई थी कि उनसे उठी नहीं? क्या महाधनुर्धार अर्जुन अपना गांडीव चलाना भूल गए थे? क्या नकुल और सहदेव खड़ग उठाने में समर्थ नहीं थे?
सभा में उपस्थित प्रत्येक मनुष्य से मेरा प्रश्न करने का अधिकार है, परंतु मैं केवल आप सब से ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि जिसके साथ अग्नि को साक्षी मानकर सप्तपदी मदी लिए, क्या उस स्त्री को एक वस्तु समझ लिया आप सबने? क्या स्त्री एक वस्तु है कि जब जी चाह दाव पर लगाया और जीत लिया? क्या स्त्री का मान एक खिलौना है कि जब मन चाह सजा कर रख दिया और जब मन चाह पांव तले कुचल दिया? क्या स्त्री का घर पुरुषों की इच्छा पर चलने वाला दास है? क्या स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए धर्म पुरुषों को एक स्त्री का अपमान करने की आज्ञा देता है? धर्म स्वयं ही एक स्त्री के अपमान का कारण है। आप पांचों ने भले ही अपने आप को दास स्वीकार कर लिया, परंतु याज्ञसेनी द्रौपदी अभी भी स्वयं को स्वतंत्र मानती है और इस संसार की कोई भी शक्ति उसे दासी सिद्ध नहीं कर सकती। शांत शांत हो जाओ द्रौपदी। सम्मान का प्रश्न तो पुरुषों से पूछा जाता है। ये पांचों के पांचों नपुंसक है, नपुंसक। कैसे नपुंसकों को अपना पति बना लिया है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एक काम करता हूं, मैं तुम्हें भी एक अवसर देता हूं। एक अवसर अपना सम्मान बचाने का। मुझे अपना लो द्रौपदी। मुझसे संबंध बनाओ तो मैं वचन देता हूं मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। मुझसे संबंध बना लिया तो ना तो कोई तुम्हारे ऊपर आंख उठाकर देखेगा और ना ही मुख उठाकर कोई दासी कहेगा। द्रौपदी आकर मेरी चंगा में बैठो। आओ।
समस्त भीम यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं तुम्हें ऐसी मृत्यु दूंगा ये संपूर्ण भूमि सदियों तक कांप उठेगी। मैं तुम्हारी यही शक्ति तोड़कर तुम्हारा प्राण ले लूंगा दुर्योधन। ये मेरा प्राण है, ये मेरा प्राण है, ये मेरा प्राण है। कुलवधु का ऐसा अपमान देखने के लिए आपके पास आंखें तो नहीं है महाराज, पर कान तो है। सुन तो सकते हैं कि ये हस्तिनापुर के विद्वान के पंजाब है। इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता पांचाली, तुम दुर्योधन की दासी हो और तुम्हें उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। आओ दासी द्रौपदी। अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करो। आओ। मैं यज्ञ की अग्नि से जन्मी यज्ञ सेनी हूं दुर्योधन, और अग्नि की ताप को बांधा नहीं जा सकता। मैं दासी नहीं, मैं स्वतंत्र हूं, और मैं अभी इसी क्षण इस राजसभा का तिरस्कार करती हूं। दासी आपका और मेरा अपमान करके इस सभा से जा रही है, क्या इसे दंड देने का अधिकार है मुझे? द्रौपदी, यदि तुमने दुर्योधन की आज्ञा नहीं मानी तो तुम दंड की पात्र होगी। यज्ञ की अग्नि का अधिकार, अब भी मुझ पर मेरे पिता का अधिकार है। पांडव भले ही अपनी पत्नी को हार गए हो, परंतु द्रौपदी अब भी स्वतंत्र। तक मन से स्वतंत्रता का मान नहीं जाता तब तक दासत्व का भान नहीं होता। तो फिर छीन लो इसका। वस्त्र हरण करो इस दासी का। Yeah.
असंभव। तुमने इस विषय में सोचने का दुस्साहस भी कैसे किया दुर्योधन? जब मनुष्य पर नाश चाहता है पहले उसका विवेक हर जाता है दुर्योधन। अपने विनाश को आमंत्रण मत दो। महामंत्री ठीक कह रहे हैं, ऐसा अनर्थ मत करो, मत करो। अनर्थ तो अब होगा इस सभा में। क्या दीजिए प्रादर्शी, हम इनका सर्वनाश कर देंगे। हाँ जेष्ठ, गुरुकुल में हुए इस पाप का कलंक मैं अभी यही कौरवों के रक्त से धोऊंगा। हाँ जेष्ठ, या तो हमारे प्राण ले लीजिए या फिर हमें इनके प्राण लेने की आज्ञा दीजिए। मौन रहो दास। दास हो ना? क्या तुम दास नहीं? क्या ये दास ही नहीं? और एक दासी को दंड देने का अधिकार है कि नहीं? मुझे ये अधिकार नहीं है। दासी हो या शत्रु, एक स्त्री का मान भंग नहीं किया जा सकता। और वो एक कुल वधु है। अरे ये कुलवधू नहीं, ये नगरवधू है, नगरवधू है। कर तुम बताओ कर्ण, जो जो हर दो महीने में अपना पति बदले वो कौन है? जो स्त्री पांच पांच के साथ शयन करे उसे क्या कहा जाता है? बताओ कर्ण। शब्दकोश में पांच पांच पुरुषों के साथ में संसर्ग करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? तुम्हें अपने गुरु परशुराम की सौगंध, मेरी मित्रता की सौगंध है कर्ण। तुम्हें बोलना होगा। तुम्हें सौगंध है कर्ण, बोलो। क्या शब्द है ऐसी स्त्री के लिए, बोलो कर्ण। सौगंध है तुम्हें, बोलना होगा तुम्हें। सौगंध है, बोलो। अकेले में वस्त्र उतारे या सबके सामने, कोई अंतर नहीं। उससे उसका मान भंग नहीं होता अपितु दर्शकों को आनंद मिलता है। दुर्योधन, इसे क्षण
बंद करो ये सब। अपने विनाश को आमंत्रण मत दो दुर्योधन। दुर्योधन, ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय तुम्हें वस्त्र हरण करने का विचार त्याग देना चाहिए, क्योंकि यदि इस समय वस्त्र हरण किया तो इस सभा में बैठे महापुरुष अपने वचनों को तोड़कर हमारे प्राण भी हर सकते हैं। इस दासी के वस्त्र हरण से पूर्व तुम्हें इन वीरों का शस्त्र हरण कर लेना चाहिए। ठीक है मामा श्री। इस दासी को क्षमा करने के लिए तैयार हूं। परंतु एक स्थिति में कि यहां बैठे सभी स्वतंत्र वीर मेरे समक्ष अपनी सेवा स्वीकार करेंगे। हाथ जोड़कर मुझे अपना स्वामी माने सब शपथ ले कि यदि उनके शस्त्र उठेंगे तो वो केवल मेरे लिए उठेंगे। यदि स्वीकार है तभी मैं इस दासी को क्षमा कर सकता हूं। मुझे स्वीकार है कि हमारे शस्त्र केवल तुम्हारे लिए ही उठेंगे। हम शपथ लेते हैं, हम तुम्हारा पक्ष और सेवा कभी नहीं छोड़ेंगे। बधाई हो, दासी द्रौपदी को मेरे होने वाले सम्राट दुर्योधन ने क्षमा कर दिया। परंतु केवल एक अपराध के लिए दुर्योधन। अगले अपराध पर तुम इसके साथ कुछ भी कर सकते हो, कोई कुछ नहीं कह पाएगा। दासी द्रौपदी को और एक अपराध के लिए उकसाओ दुर्योधन, उकसाओ, ताकि मेरी प्रतिज्ञा और तुम्हारा प्रतिशोध दोनों पूर्ण हो जाए। हैं? अधर्म ने धर्म के पथ पर चलने के सभी अवसर ठुकरा दिए और धर्म का ध्वज थामने वाले मुख बैठे। सृष्टि को अधर्मियों के पाप ने इतनी हानि नहीं पहुंचाई जितना धर्मियों के मौन ने। ये मौन सब कुछ विध्वंस कर देगा। हस्तिनापुर का रथ अपने पतन के मार्ग पर बढ़ चुका है। ज्यादा से तुझे क्षमा किया, परंतु तुझे मेरी सेवा में प्रस्तुत रहना होगा। सम्राट हूं मैं, हाँ? नपुंसक दास पतियों से जी भर जाए तो चले आना मेरे पास। ये तुम्हारे सर पे तुम्हारा मुकुट नहीं, तुम्हारा काल ना जाए। नीच! बस बहुत हो गया। एक बार क्षमा करने के पश्चात भी इस दासी ने वो दंडता दिखाई है। अब मैं इसे क्षमा नहीं कर सकता। इस दासी का घमंड हरना होगा। आगे बढ़ो दुशासन और वस्त्र हरण करो इस दासी द्रौपदी का। आगे!
सर्वनाश हो जाएगा। हमारे दिए वचन का अनुचित लाभ मत उठाओ दुर्योधन। कौन रही आप सब? क्योंकि आप सब में से किसी में वो क्षमता ही नहीं है। अरे बंधे रहिए अपने अपने धर्म के खूंटे से। वो कैसा धर्म जो आपकी शक्ति को आपकी निर्बलता बना दे? मुझे ऐसे धर्म से अपना मान बचाने की कोई आशा नहीं। जिन्हें बड़ा माना वो सब तो अपने अपने धर्म से बंधे। जिन्हें पति स्वीकार किया उदास बन गए। आप सब मेरा रक्षण नहीं कर पाएंगे। मेरी सहायता वो ही करेगा जो सबसे बड़ा है। और ये सारा संसार जिसका दास। बढ़ो दुशासन, आज परीक्षा तुम्हारे बाहुबल की नहीं। मेरी आस्था की है और मुझे विश्वास है कि आज सभा में बैठे सभी नगरों द्रौपदी की रक्षा करने आप स्वयं आएंगे। गो तीर के हर धागे का ऋण 100 गुना करके चुकाएगा तुम्हारा ये सखा। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। Thank you.
द्रौपदी। ये क्या अनर्थ हो रहा है सभा में? मेरे निकट मत आइएगा माता श्री, मैं मलिन हूं। नहीं नहीं पुत्री, मेरी पुत्र वधु मलिन नहीं हो सकती। मैं आपकी पुत्र वधु नहीं, ना ही कुरुवंश की कुल वधु। और ना ही आपके पुत्रों की पत्नी। मैं एक जीता जागता शव हूं। शव इस संसार की स्त्रियों की लुटी हुई मर्यादा का। मैं कुंड हूं इस सृष्टि की सभी स्त्रियों के आंसुओं का। आज मैं अग्नि नहीं, आज मैं अग्नि सुता नहीं, स्वयं अग्नि हूं। इस मूक मौन सभा के शमशान में जलते हुए नारी के मान के चिता की अग्नि हूं मैं। जो सब कुछ भस्म कर देगी, सब कुछ नाश कर देगी। मैं जीव नहीं, साक्षात मृत्यु हूं, केवल मृत्यु। इस सभा में उपस्थित प्रत्येक अधर्मी की केवल मृत्यु। जो इस नग्न सभा में विनाश का नग्न नृत्य करेगी, जो सभा मेरा अपमान देखकर मौन रही, वो सदा के लिए मौन रह जाएगी। मुझसे हरण किए गए वस्त्र इस सभा में सभी के शव वस्त्र बनेंगे। जिसने मेरे अपमान पर अट्टहास किया, उन सब की मृत्यु पर ऐसा विलाप होगा कि संसार युगों तक स्मरण रखेगा। मैं यज्ञसेनी श्राप देती हूँ इस सभा को। नहीं पुत्री, इन्हें श्राप मत दो। अपनी ज्येष्ठ माता की बात सुन लो। क्यों सुनूं मैं किसी की? क्यों? जब मेरी जीत का किसी ने नहीं सुनी तो फिर क्यों? क्षमा कर दो पुत्री, मेरा श्राप ही क्षमा है महारानी। क्योंकि यदि दंड दिया तो इसी जीवन के प्रत्येक क्षण में नरक का अनुभव होगा इन्हें। ठीक कहा पुत्री पांचाली। इन सबको जीवन के हर पल नरक का अनुभव होना चाहिए। हस्तिनापुर के रक्षकों के मध्य
हस्तनापुर के आचार्यों के रहते, संसार के सबसे बड़ी नीति वानों के मध्य यह नट कैसे हुआ? मैं आपसे पूछती महामंत्री, हस्तनापुर में अंधे युग का प्रारंभ कैसे हुआ? क्यों नहीं आपने इच्छा मृत्यु मांगी ताजश्री? और आपने क्यों नहीं अपने ही वाणों से अपने हृदय को भेद लिया द्रोणाचार्य? आज तुम्हारे बौन रहने के कारण देवताओं पर से विश्वास उठ चुका है मेरा। कैसे होने दिया ये अपना? कैसे बन गए इनके दास? कैसे? मैं द्वारका से कृष्ण की नारायणी सेना लेकर आऊंगी और बलराम के बल से विनाश कर दूंगी इसका। सुन रहे हैं आप महाराज? सुनाई तो दे रही है ना आपको? हस्तिनापुर की ओर बढ़ रहे इस विनाश के पश्चात अपने आंखों पर पट्टी बांधते समय मैंने ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा आप अपने मन की आंखों पर पट्टी बांध लेंगे। अगर थोड़ी सी भी लज्जा शेष है आप में तो कुछ कीजिए, इस ज्वालामुखी को फटने से रोक लीजिए महाराज। आज निश्चित रूप से ही हस्तिनापुर लज्जित हुआ है। पांचाली पुत्री, मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम जो चाहोगी वैसा ही होगा। क्या चाहती हो पुत्री, मांगो, मेरा वचन है तुम्हें। एक स्त्री के लिए उसका मान सबसे बड़ा होता है और इस सभा में पहले उससे उसका सब कुछ छीन लिया और अभी प्रस्ताव रख रहे हैं कि जो वर मांगोगी मांग लो। अब मैं मांगूंगी नहीं, दूंगी, श्राप दूंगी। मैं यज्ञसेनी इस कुरुकुल को श्राप देती हूं कि क्षमा करो, मेरे मूर्ख पुत्रों को श्राप देकर उनका त्राण मत करो। तुम्हें जो चाहिए वो मांगो परंतु श्राप मत दो। मुझसे जो छीना गया वो मुझे कोई नहीं लौटा सकता। इस अधर्मी खेल में उनसे उनका बल छीना गया, शस्त्र छीने गए, उनका राज्य छीना गया, उन्हें उनका बल, उनका मान, उनके शस्त्र और उनका हारा हुआ राज्य लौटा दीजिए। वाह, अब भी मौन है सब। और आप कह रहे थे दिया। जो तुमने मांगा दिया, पांडवों का राज्य, संपत्ति, शस्त्र और पल, मैं सब लौटाता हूं। हे पिताश्री, मेरी जीती हुई संपत्ति को लौटाने का अधिकार आपको नहीं है पिताश्री। मैंने इस युद्ध में जो भी जीता है वो अपने बल पर जीता है, अपने।
बिना बिना छल के जीता है, बिना बिना युधिष्ठिर को विवश किए जीता है, बिना धर्म किए जीता है। फिर क्यों क्यों मैं इसे लौटा दूं? क्यों? आप बताइए महामंत्री, पितामह आप बताइए, आप सब बताइए, क्या इस द्यूत में कोई भी अधर्म हुआ है? कोई भी? फिर से मौन हो गए सब। अधर्म सामने खड़ा होके पूछ रहा है कि उसने क्या अधर्म किया, और सब फिर से मौन। इस सभा में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप सब मौन है। रहिए मौन सब, रहिए मौन, परंतु इस अधर्मी दुर्योधन को उसके कुकर्मों का दंड अवश्य मिलेगा, और उससे पहले इस सभा में उपस्थित वो हर व्यक्ति जिसने मौन रहकर ये अधर्म होते हुए देखा, उन्हें उनके मौन रहने का दंड मिलेगा। श्राप है ये अग्निसुता द्रौपदी का। पांचाली, वही रुक जाइए महान पांडु पुत्रों। मैंने आपको क्षमा नहीं किया, अब आप सबका मुझ पर कोई अधिकार नहीं। वो अधिकार आप पहले ही हार चुके हैं, और उसका प्रतीक है ये खुले हुए केश, जिन पर अब कभी चूड़ामणि नहीं सजेगी। अपना जीवन दांव पर लगाकर स्त्री संतान को जन्म देती है, पुत्र के जन्म में अपना नया जीवन खोजती है, पीड़ा के उन पलों में भी उसकी आंखों में दुख के आंसू नहीं होते, मुख पर प्रसन्नता, मन में संतोष होता है, और बदले में हम पुरुष उसे क्या देते हैं? पुरुष के किए गए हर कार्य का दंड अंततः स्त्री को भुगतना पड़ता है। क्यों? राम को दंड देने के लिए सीता का हरण होता है, सीता को ही अग्नि परीक्षा क्यों देनी होती है? युद्ध पुरुष करता है और पराजित स्त्री होती है, वीर गति पाकर पुरुष स्वर्ग भोगता है और विधवा होकर स्त्री नर्क भोगती है। क्यों? क्यों पुरुष का अहंकार जगता है और स्त्री की स्वतंत्रता को सुला दिया जाता है? जुए में, मदिरा के मद में धन पुरुष खोता है और भूख स्त्री के भाग्य में आती है। क्यों? विवाह के पश्चात स्त्री सौभाग्यवती बनकर घर में आती है,
और उसके मस्तक पर सिंदूर के रूप में उसके पति की दासी होने का चिन्ह लगा दिया जाता है। अपनी इच्छा से 100-100 पत्नियां रखने वालों को पराक्रमी समझा जाता है और दुर्भाग्यवश एक से अधिक विवाह करने वाली महिला को वैश्या कहकर पुकारा जाता है। क्यों पुरुष असफल होकर संसार का त्याग करता है और अपना घर संसार चलाने के लिए स्त्री को संघर्ष करना पड़ता है? क्यों क्यों हम पुरुषों के हर दुष्कर्म का फल स्त्री को भुगतना पड़ता है? जो जीवन देती है उसका अधिकार तो केवल आनंद, प्रसन्नता और सम्मान होना चाहिए, फिर उसका चीर हरण क्यों होता है? स्मरण रखना, जब तक स्त्री को मान सम्मान और अधिकार मिलेंगे, ये सृष्टि फलेगी, फूलेगी, विकास होगा। और जब जब स्त्री का मान भंग होगा, जब जब उसका अभिमान पुरुष के दम तले कुचला जाएगा, तब विनाश होगा। हर बार एक नए रूप में एक महासंग्राम होगा, एक महाभारत होगा। भारत होगा। महाराज, आज संसार की सबसे अधिक लज्जित, सबसे अधिक दुखदायी सभा संपन्न हुई। अब आज्ञा दीजिए। नहीं है आज्ञा। अब क्या शेष है? इस सभा को अभी अपने महाराज का पिंडदान देखना शेष है। नारी के लम समर्पयामि। ये क्या अनर्थ कर रहे हो दुर्योधन? अपने पिता का तर्पण कर रहे हो मेरे जीते जी? हाँ, आपका पिंडदान कर रहा हूं। मैं आज से अनाथ हुआ पिताश्री। ये क्या मूर्खता है दुर्योधन? ये मूर्खता नहीं है, ये मेरे और मेरे पिता के मध्य का संबंध है जिसे आज मैं तोड़ रहा हूं। और आप इस संबंध से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए मौन रहिए पितामह। क्योंकि आज जो मेरे साथ हुआ उससे यही प्रतीत होता है कि मैं पिता विहीन हूं। एक पिता अपने संतान के लिए जीता है, परंतु आज मेरे ही पिता ने मेरे ही साथ इतना बड़ा अन्याय कर दिया। क्या अनर्थ प्रलाप कर रहे हो दुर्योधन? मैं प्रलाप कर रहा हूं? एक सम्राज्ञी को द्यूत में दासी बना लेने पर इस सभा में सभी ने बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा, सब मेरे विरुद्ध हो गए,
परंतु मुझसे बिना किसी कारण के एक श्राप के भय से मुझे इंद्रप्रस्थ छीन लिया गया, मेरा साम्राज्य छीन लिया गया, और इस अन्याय के कारक आप हैं पिता महाराज। पहले पिता मां के कारण हस्तिनापुर का विभाजन होने दिया आपने, और आज एक श्राप के भय से मेरा जीता हुआ साम्राज्य छीन लिया। महामंत्री, वेदों के ज्ञाता, महाज्ञानी, मंत्र पढ़ी, मैं आज अभी इसी क्षण अपने पिता का श्राद्ध करूंगा। ऐसा मत कहो पुत्र, ऐसा मत कहो। मैं विवश हूं, मैं पांडवों का राज्य उन्हें लौटा चुका हूं पुत्र, परंतु ये श्राद्ध मैं सहन नहीं कर सकता पुत्र, सहन नहीं कर सकता। अब तुम्हारे त्राण के लिए मैं क्या करूं? आपके पुत्र को इस त्राण से बचाने के लिए और जीते जी आपको श्राद्ध से बचाने के लिए मेरे पास एक उपाय है महाराज। ये द्वार क्यों बंद हो रहा है? क्या मूर्ख कौरव इसी क्षण युद्ध चाहते हैं? प्रणिपात श्रीमान, महाराज ने आपको स्मरण किया है और लौटने के लिए निवेदन भी किया है। कहता उनसे हम नहीं आएंगे। अब ना हमें उनका निमंत्रण स्वीकार है और ना ही निवेदन। ये निवेदन नहीं है अनुज, यदि ये निवेदन होता तो द्वार इस प्रकार बंद नहीं होता। ये आदेश है। तो मैं आदेश और ये द्वार दोनों तोड़ दूंगा। हम लौटेंगे तो बस युद्ध के लिए। नहीं अनुज भीम, नहीं। ताश्री हमारे बड़े हैं, यदि उन्होंने आज्ञा दी है तो हमें जाना होगा। ये आज्ञा नहीं है भ्राताश्री, जाल है और हमें इसमें नहीं फंसना है। पांचाली यहां से जा चुकी है, व्यथित है, हमें उसे संभालना है। हमें इंद्रप्रस्थ जाना होगा भ्राताश्री। ये जाल है तो भी हमें धर्म के कारण जाना होगा। अवश्य दिया जाएगा कौरवों को। यदि मन में क्लेश हो तो मुझसे बात कर, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, परंतु इस तरह स्वयं को मत जला। पाचन पुत्री वहीं रुक जाइए माताश्री, ये द्वार मेरे और आपके मध्य की सीमा है, इसे पार मत कीजिएगा। पांचाली को एकांत चाहिए। लीजिए जेष्ठ आपका आदेश ना मानने वाली दासी। आओ दासी द्रौपदी, आकर मेरी चंगा में बैठो। आओ वस्त्र हरण करो इस दासी का, हर दो महीने में अपना पति बदले, जो स्त्री पांच पांच के साथ शयन करे उसे क्या कहा जाता है? बताओ कर्ण, शब्दकोश में पांच पांच पुरुषों के साथ में
संसर्ग करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? बोलो! वैश्या कहते हैं! वैश्या कहते हैं! वैश्या कहते हैं! वैश्या कहते हैं! दरवाजा तोड़ दो पांचाली। ये द्वार द्रौपदी के मन का है बुआ, ये यातना से नहीं खुलेगा ना ही बल से टूटेगा। सखी चले जाइए, सखा भीतर मत आइएगा, मैं मलिन हूं। मलिन तो वो सोच है सखी, जो तुम्हें मलिन समझे सखी। और मनुष्य तो भीतर से पवित्र होता है, तुम तो उस गंगा की भांति हो जो सबके पाप हरने के पश्चात भी मलिन नहीं होती। तुम पावनी पवित्र हो। चले जाइए केशव, मेरे संताप का ताप बहुत तीव्र है, कदाचित ये मेरे सखा को भी क्षमा ना करे। सखा हूं तुम्हारा, तुम्हारे सुख दुख हानि लाभ में बराबर का भागीदार हूं मैं। तुम्हारे सुख में आनंद किया और आज अपने हिस्से की पीड़ा तुमसे लेने आया हूं, तो अपने भागीदार को उसका अधिकार नहीं दोगी सखी? क्यों बड़ा भयानक होता है सखी? क्योंकि हम इस क्यों के उत्तर को खोजते रह जाते हैं और अपना लक्ष्य खो बैठते हैं। वो बालक जिसने जन्म लेते ही अपने माता पिता को खो दिया, जिसने जन्म की प्रथम रात्रि को माँ का आलिंगन नहीं मिला, ज्वार खाते यमुना का आलिंगन मिला, यदि वो बालक नियति से इस क्यों का उत्तर मांगता तो क्या मथुरा और गोकुल की नियति को बदल पाता? यदि सीता नियति से पूछती कि रावण ने उनका ही अपहरण क्यों किया तो क्या ये संसार रावण से मुक्त हो पाता? जो कल बीत गया सखी, यदि उसका दुख वर्तमान में मनाओगी तो अपने भविष्य को खो बैठोगी। जब अपराध तुमने नहीं किया तो तुम क्यों भीतर से जल रही हो सखी? उन्हें जलने दो,
जिन्होंने ये पाप किया है। तो मार्ग बताइए सखा, मन में धधकती इस अग्नि को शांत करने का मार्ग दिखाइए केशव। क्षमा कर दो सखी, मन में प्रतिशोध नहीं, न्याय का विश्वास जगाओ। जब तक मन में प्रतिशोध रहे तब तक न्याय को आने का मार्ग नहीं मिलेगा सखी। क्या प्रतिशोध लेना न्याय नहीं है सखा? नहीं सखी, यदि प्रतिशोध लो तो केवल तुम्हारे भीतर की अग्नि शांत होगी, और यदि न्याय के लिए संघर्ष की अग्नि जलाओगी तो दुर्योधन जैसे हर पापी की सोच को भस्म कर पाओगे। तो बोलो सखी, प्रतिशोध लेना है या न्याय स्वीकार है?